हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। सामने से बाइक की लाइट पड़ रही तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सी वीडियो होने वाली है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है हेडलाइट कंपैरिजन, और इसमें काफ़ी सारी बाइकों के जो कंपेरिजन है एक तरीके से, जो आप लोग सोचते, देखो NS125 अभी N125 आई नहीं है, ठीक है, तो NS160 N160 प्लस NS200 और NS250, एक तरीके से सबका आइडिया हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है भाई, जो भाई हमारे भाई बंधु जो सोचते हैं कि केवल एक ड्रैग रेस ही होता है जिसकी वजह से आप दो बाइकों का कंपैरिजन करते हो, तो उनको एक सलाह देना चाहूँगा भाई। देखो, अगर कभी भी बाइक ले रहे हो ना, हर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। माइलेज पे दे लो, लुक्स पे दे लो, कौन सी पुरानी है, कौन सस्ती पड़ रही, कौन वैल्यू फॉर मनी है। केवल ड्रैग रेस बाइक लेने का एक वो पैरामीटर नहीं होना चाहिए। हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कितनी बार ड्रैग रेस करोगे? आप नॉर्मल ड्रैग रेस करने जाओगे, रिस्क लेने जाओगे? नहीं ना, तो फालतू की ड्रैग रेस की वीडियो से ज़्यादा, मेरी नहीं कह रहा हूँ कि तो आप मेरी हेडलाइट की देखो, नहीं, आप किसी की भी देखो, अलग वीडियो देखो। ये ड्रैग रेस में कुछ नहीं रखा भाई, जान ही जोखिम में रहती है, ये सब मेन चीज़ है। रात में बाइक तो चलाओगे ही ना, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करो, तो ऐसे आप फोकस करोगे तो लोग ये सब कंटेंट बनाएंगे। अभी कुछ लोग हैं जो हमारी कॉपी करना शुरू कर रहे हैं, बट कोई नहीं, हम भी किसी को देख के वीडियो बनाना स्टार्ट किया था हमने भी, या फिर जब बाइक आई थी तो हमें लगा, ठीक है। तो करते हैं इन सब चीज़ों को साइड, अब बाइकें दिखाते हैं और अपना कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सो ये खड़ी हैं दो बेहतरीन सी बाइकें, एक है हमारी N160 और दूसरी है भाई एकदम नई नवेली। इसको पहले ऑन कर लें, देख लो इसका फ्रंट लुक। और भाई इसकी लाइट नहीं जल रही, अभी बाइक स्टार्ट होगी तब लाइट जलेगी, आप लोग समझ चुके होंगे। यह है पल्सर NS160, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। देखो NS125, NS160, NS200 सबकी लाइट बिल्कुल सेम है, तो मैं चाहता तो झूठ बोल के वीडियो बना देता, लेकिन नहीं, यह है NS125। अब हेडलाइट सेम है, मीटर सेम है, सब कुछ सेम है, तो हमें लगा भाई कोई दिक्कत तो है नहीं, हम बना सकते हैं वीडियो। अब बिना किसी देरी के पहले हम इसको करते हैं बंद। और ये भाई थोड़ा सा दिक्कत है इसमें कि जब तक लाइट, मतलब बाइक ऑन ना हो, लाइट नहीं जलती। इसको हम गियर्स उतारते हैं, सेकंड गियर, अब इसको करते हैं न्यूट्रल, ठीक है। ये हो गई हमारी बाइक ऑन। पहले भाई इसकी लाइट देख लो पीछे से कैसी है। ये NS125 की कुछ इस तरीके से हेडलाइट है। एन को भी ऑन कर देते हैं, पूरा लुक चेक करा देते हैं आपको। अब देखो ये N160 की है, ठीक, ये NS की है, तो दोनों की डिज़ाइन देख लो आप लोग। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसकी हेडलाइट आप टेल लाइट पीछे से ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब सबसे पहले N160 को करते हैं बंद, बट एक से अच्छी है कि बैकलाइट स्विच है, तो पूरे जहाँ पे बटने हैं वहाँ पे, यहाँ पे वाइट कलर का स्विच जल रहा, लाइट जल रही स्विचेस पे, और हमारी जो NS है इस पर ब्लू कलर का जल रहा है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखो टेस्ट करेंगे दोनों ही बाइकों पे बैठ के, ठीक है। तो सबसे पहले NS की लाइट देखो, और ये LED लाइट है, आपको एक बार चेक करा देता हूँ मैं अच्छे से, देख लो भाई, लुक भी चेक कर लो इसका। ये देखो हेडलाइट, मतलब देखो NS400 याद है आप सभी को, ये DRL वही वाले हैं और प्रोजेक्टर ये वाला है, तो बजाज ने NS400 ऐसी बनाई थी। चलो ये देखो, यहाँ पे पूरा LED, यहाँ पे LED, यहाँ पे LED, ये LED DRL, लाइट ऑन ऑफ का स्विच नहीं आता है। NS160 में शायद आता है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद बोल रहा हूँ शायद, ठीक है। तो भाई एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कैमरे में आईफोन है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस इस समय ज़्यादा लग रही है, ठीक, एरिया लेकिन सही कवर कर रही है, एक चीज़ में मानूंगा, आप लोग खुद नोटिस करो, ठीक। ये देखो यहाँ से लेफ्ट, यहाँ राइट, तो एरिया अच्छा कवर कर रही है, ठीक लग रही है, विजिबिलिटी अच्छी है। हाँ थोड़ा सा LED है ना, तो कहीं कहीं पे देख रहे होगे आप लोग हल्की सी, देखो इधर इधर, वीडियो में उतना समझ में नहीं आ रहा, हल्की सी लाइनिंग दिख रही है। एक बार बंद करके दिखाता हूँ आपको, आप चेक करना, ठीक, अब देखना हल्का हल्का सा है, बट लो बीम इसकी अच्छी है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब करते हैं हाई बीम ऑन इसकी, और इसकी देखो इसी से एक ही बटन से लो बीम हाई बीम सब हो जाएगा। ये हाई बीम भाई, ये देखना हाई बीम दूर तो जा रही है,
बट बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ये देखो। तो यार हाई बीम ठीक ठाक है, इधर फोकस मारते हैं, इधर फोकस मारता हूँ, उधर एक वॉल है, ठीक है, वॉल पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, वो सामने एक वॉल दिख रही है, आई नो कैमरे में आपको नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है। तो लाइट दूर जा रही है, इसकी हाई बीम भी ना दूर तो जा रही है, उतनी ब्राइट नहीं है दूर जाके, उतनी ब्राइट नहीं है दूर जाके, बट दूर तो जा रही है। देखो उतनी आपको ब्राइट नहीं दिखेगी, यहां से दिखाता हूँ, देखो हल्की सी, देखो वॉल दिख रही है यहाँ पे, हल्की सी यहाँ पे देखो वॉल दिख रही होगी, देखो ठीक, हल्की सी दिख रही है, ज्यादा नहीं, बट एक तरीके से ठीक है, अभी तक ठीक है, जब तक आप N160 को स्टार्ट करते हैं ना, अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसी है, कंपैरिजन करना है तो। उधर हमारे भाई बंधु बैठे हैं, वो देखो शिवम भाई, कबीर भाई, और कबीर भाई के दोस्त हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, जोक से पार्ट, ठीक है। अब आते हैं एन पे, थोड़ा सा बाइक को कर देते हैं हम स्टार्ट, ठीक भाई, ये कुछ ज़्यादा ही फैल जा रही है इसकी, और एरिया ज़्यादा कवर कर रही है यार, इधर का एरिया देखो, उधर का एरिया देखो, प्लस इसकी लो बीम भी दूर जा रही है, अप्रॉक्स वॉल के पास तक आप लोग देख रहे होगे, वहाँ तक दूर तक इसकी लो बीम जा रही है, और लो बीम एरिया काफ़ी अच्छा कवर कर रही है, लेफ्ट टू राइट पूरा आप देखोगे तो एरिया काफ़ी अच्छा कवर कर रही है। शिवम भाई को बुलाते हैं एक बार, शिवम भाई एक बार आ जाना इधर, शिवम भाई को बुलाएंगे, इनसे भी पूछताछ करेंगे, और शिवम भाई से कहते हैं एक बार NS पे बैठ जाओ, NS पे बैठ जाना एक बार भाई। अब शिवम भाई से राय लेते ना, दो लोग राय देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वॉल इधर भी वॉल दिख रही है, हाँ बैठ जाओ भाई, ठीक। तो शिवम भाई इसकी लाइट देख लो आप अच्छे से, कैमरे में नहीं, रियल में, हाँ ठीक है। शिवम भाई भी बाइक पे बैठ चुके हैं, ठीक, और ये अभी लो बीम पे है, ठीक है शिवम भाई, वॉल हल्की सी आप लोग को दिख रही होगी वहां पे। अब इसकी करते हैं हम हाई बीम ऑन, ठीक, ये देखो इसकी हाई बीम, देखो हाई बीम भी एरिया कवर कर रही है थोड़ा सा, लेफ्ट राइट का क्या लग रहा, देखो पूरा मतलब लास्ट जा रहा है, हाँ, और थोड़ा सा फैल रही है, ठीक, ये देखो पेड़ दिख रहा, पेड़ एकदम दिख रहा, वॉल एकदम अच्छे से दिख रही है। अब मैं इसको करता हूँ बंद, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया एरिया और ये सब कवर कर रही है। अब शिवम भाई ऑन करो, शिवम भाई कर रहे हैं NS को ऑन, हल्का सा हैंडल ना उसी एरिया में घुमाना, हल्का सा लेफ्ट कर लो, लेफ्ट हल्का सा, बस बस, हाँ। अब ये देखिए ये N का है, NS का है, ठीक है, ब्राइटनेस अब कैसी है इसकी, ठीक, थोड़ा लो है, ब्राइटनेस लो है, प्लस थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है ना, कम है। अब यहाँ पे अगर N को ऑन करते हैं, आरंतर ये NS की है, इस समय ये N की है, देखो NS की यहां तक जा रही है, ठीक, आप लोग ध्यान से देखना, और N की जब लो बीम ऑन करूंगा तो लो बीम देखना, वो आपको वॉल दिख रही है, ये वाला डिवाइडर, उसके आगे की चीजें भी आपको दिख रही है, लेफ्ट राइट पूरा कवरिंग है, तो लो बीम नो डाउट N की काफी अच्छी है। अब NS की हाई बीम ऑन करना, हाँ, अब ये NS की हाई बीम है, हल्का सा, हाँ बस ये NS की हाई बीम है। अब सामने आपको वॉल या पेड़ उतना विजिबल नहीं हो रहा ना, नहीं दिख रहा, एकदम नहीं दिख रहा। अब इसके पे देखते हैं, ठीक, और ये हाई बीम, अब देखिए आप लोग, ये किया मैंने लो बीम, ये किया हाई बीम, लो बीम हाई बीम। अब भाई देखो एक चीज क्लियर कर दू, ऐसा नहीं है कि हम N को जिता रहे हैं, हमारे पास N है तो, या NS को हरा रहे। देखो एक सिंपल सी बात है, बजाज अठन्नी भी नहीं दे रहा हमें, तो जो फैक्ट है, जो आप, अच्छा फैक्ट भी क्या यार, आप वीडियो में देखो, खुद देखो, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ अभी, आप देखो N की, NS की हाई बीम ऑन है, NS की हाई बीम है, आप लोग ये वाला इधर वाला एरिया देखना, यहाँ वाला, ठीक, अब देखना दिखा अंतर आपको, देखो
दोनों ही बाइकें अच्छी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन भाई जो फैक्ट है जिसकी लाइट हमें तो ब्राइट यही लग रही है कि हाई बीम लो बीम है, अच्छा खासा डिफरेंस है ना। ये देखो तो नाइट राइड में तो भाई एन काफी आगे निकल जा रही। देखो और ये जो हाई बीम है ना ये रियल में ज्यादा पता चल रही, फोन में उतना नहीं। फोन में पास वाली देखो, फोन में पास वाली ज्यादा चमक रही है और हाई बीम उतना नहीं पता चल रहा फोन में, ये दिक्कत आ रही। सो भाई क्लियर विनर जो थी लो बीम हाई बीम में वो N160 थी। कैमरे के सामने आते हैं, चीजें शेयर करते हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड। सो भाई एक चीज है, दोनों ही बाइकों की हेडलाइट अच्छी थी, बट अगर आप कंपेरिजन करोगे साइड बाई साइड तो जाहिर सी बात है भाई एक की लाइट अच्छी होनी थी, और टू बी ऑनेस्ट N160 की लाइट काफ़ी अच्छी भी लगी। मतलब डबल का तो अंतर नहीं है, लेकिन हाँ अंतर तो है, N160 की लाइट काफ़ी अच्छी है। तो भाई NS वाले जो पूछते थे भाई NS का कंपेरिजन करो N160 से, तो एक तरीके से हो गया, तो आपको पता चल गया होगा कि N160 की लाइट अच्छी है। NS200 या N250 का भी हेडलाइट का कंपेरिजन करोगे तो भाई N160 या N250 की लाइट अच्छी है। प्रोजेक्टर अच्छा लगा हुआ है इसमें, नो डाउट प्रोजेक्टर में जो LED लगी है काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो हेडलाइट के मामले में जो क्लियर विनर निकल के आती है वो N160 है, वरना अगर N160 या N250 को हटा दो ऐसे NS की देखो तो उसकी लाइट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी काबिल तारीफ है। सो आई होप ये यूनिक सा कंपेरिजन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, और सबसे मेन चीज़ वीडियो को दबा के शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।